मैं सोच रही हूँ कि अपनी बगिया घूमते हुए जाए, कुछ फल तोड़कर भी ले जाएगा। बिल्कुल चलवाओ सीते, ए सीते, देख हमारे महाराज का कहना मान ले, सुख में रहेगी, महारानी बन रहेगी। अगर तूने कहना नहीं माना तो ये जानती क्या है, ए, ए, तुझे भिंडी की तरह काट के खाएंगे। इधर आ, इधर आओ। भवन गयो दस कंधर यहाँ पे साच निबृंद, सीत ही त्रास दिखा बही धरही रूप मन, त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेक। देखो इसको क्या डरा रही हो, धमका रही हो, क्यों है? ये तो बेचारी खुद ही दुख की मारी है, अपने पति के वियोग में कितनी दुखी है, सूख चुकी है पूरी तरह से, इसको क्यों डरवा रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही हो। देखो हालत देखो, हाँ। हम अपने महाराज का कहना नहीं मानेंगे, हाँ। तो वो हमको मार डालेगा। अरे महाराज तो चले गए ना, अब तो नहीं है, अब तो हम हैं और तुम। मैं महाराज से बोल दूंगी ये बात। अरे तो महाराज क्या करेंगे, तुमको मार देंगे। सबनो बोली सुनायस सपूना, सीते ही से करो हित अपना। देखो मैंने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सत्य होता है। अच्छा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, वो खर आरुण नगन दसीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। मैंने एक सपना देखा, बहुत बड़ा बानर लंका में आया है। अच्छा। हाँ, और पूरी लंका में आग लग गई, रावण को जो है गधे पे बैठा रखे, दसों सर मंडवा दे, पीसों भुजा। हाँ, और यह भी दिशो दक्षिण दिश जाई, जूतों की माला पहनाई। हाँ, और देखो, हाँ। यह भी दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। अच्छा, महाराज विभीषण को राज मिल गया। हाँ। और देखो इनको सताना नहीं, क्योंकि ये माता जानकी हैं। क्या करें, इसे गलती मनाए। ये सपना, हाँ। मैं कहूं पुकारी और होए सत्य गए दिन चारी, चार दिन के अंदर ये सपना सत्य होने वाला है, चार दिन इनको प्रणाम। ताशु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी, जह तह कई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच, त्रजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगन ते मोरी।